हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही गंभीर विषय के ऊपर, लालच। लालच वाकई में एक बहुत बुरी बीमारी है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल हिंदी माला स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, लालच। लेने के देने पड़े। एक ब्राह्मण मंदिर में रामायण की कथा करने जाया करता था। ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कई दिन हो गए, लेकिन एक भी आदमी वहां कथा सुनने नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण देवता जब कथा पढ़कर वापस लौटे तो राम की मूर्ति ने अपने पास खड़े हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, यह बेचारा ब्राह्मण रोज यहाँ कथा करने आता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भक्तों के ना आने से ब्राह्मण देवता को रोज ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन ब्राह्मण को कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। यदि उस दिन कुछ भी नहीं मिला तो बेचारे को बड़ी निराशा होगी और हमारी भक्ति में भी उसका विश्वास नहीं रहेगा। ये सुनकर हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान, आप इस बात की चिंता ना कीजिए, आपके भक्तों का मैं पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ। ब्राह्मण देवता की दक्षिणा का इंतजाम कर लिया गया है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन 50,000 रुपए दक्षिणा के रूप में उन्हें मिल जाएंगे। राम और हनुमान में होने वाली इस बातचीत को एक कंजूस साहूकार सुन रहा था। सुनकर खुशी से उछल पड़ा। दौड़ा दौड़ा साहूकार ब्राह्मण के घर पहुंचा। साहूकार को अपने घर आया देख ब्राह्मण को भी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे दर्शन दिए, आपकी क्या सेवा करूं? साहूकार बोला, महाराज जी, सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे आपके चरणों में भेजा है, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? साहूकार बोला, इतने दिनों से आप मंदिर में कथा करते आ रहे हैं और अब कथा की समाप्ति का समय आ गया है, इस संबंध में आपके साथ एक समझौता करने आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कैसा समझौता? यही कि कथा की समाप्ति के दिन जो दान दक्षिणा अन्न वस्त्र आपको प्राप्त होगा वो मेरा रहा, उसके बदले में मैं आपको 25,000 रुपए देता हूँ। यह कहकर साहूकार ने रुपए निकालकर ब्राह्मण के सामने रख दिए। ब्राह्मण को हंसी आ गई, बोला, सेठ जी, क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मैं कई दिनों से कथा कर रहा हूँ लेकिन श्रोता तो एक भी नहीं आता। मुझे लगता है कि समाप्ति के दिन भी वहाँ कोई नहीं आएगा। जब लोग ही ना आएंगे तो दान दक्षिणा कहाँ से मिलेगी? तो साहूकार बोला, कोई बात नहीं, चाहे कुछ मिले या ना मिले वो तो मेरे भाग्य की बात है, जितना मिलेगा वह मेरा रहा, उसके बदले में आप ये रुपये रख लीजिए। साहूकार के आग्रह पर पंडित जी ने रुपये ले लिए। वे मन ही मन तो प्रसन्न थे ही, जहाँ एक भी रुपया मिलने की आशा नहीं थी वहाँ इतना रुपया उन्हें मुफ्त में आया हुआ लग रहा था। बात पक्की हो गई। कथा की समाप्ति के दिन साहूकार ब्राह्मण को लेकर मंदिर पहुंचा। विधि विधान पूर्वक कथा आरंभ हुई। साहूकार भक्ति भाव से कथा सुनता रहा। कथा की समाप्ति पर आरती हुई लेकिन रुपया ना मिला। साहूकार ने सोचा, शायद भक्ति भाव और पूजा में कमी रह गई है। ब्राह्मण से बोले कि एक बार फिर भगवान की स्तुति करें। ब्राह्मण ने श्रद्धा से दोबारा स्तुति की और अपने घर लौट आए। रुपयों के लोभ में साहूकार जी काफी देर तक वहीं बैठे रहे। काफी समय हो गया रुपया ना आया तो हनुमान जी के आके बार बार हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगे। दोपहर हुई, दोपहर से फिर शाम हो गई। जब साहूकार को रुपया मिलने की उम्मीद ना रही तो उसे क्रोध आ गया। उसने पास पहुंचकर जोर की एक लात हनुमान जी के चबूतरे पर दे मारी। नतीजा यह है कि लात पड़ते ही साहूकार की टांग वहीं फंस गई। अब तो लेने के देने पड़ गए। अपनी टांग छुड़ाने के लिए साहूकार ने सारे प्रयास किए, पूरा जोर लगा दिया, पर क्या मजाल कि टांग टस से मस हो, सभी दांव पेच बेकार हो गए। टांग फंसी तो फंसी ही रह गई। अब क्या किया जाए? चारों तरफ से रात का अंधकार घिरने लगा। अंधेरा होने पर राम की मूर्ति से आवाज आती सुनाई दी। भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं, हे हनुमान जी, आज तो ब्राह्मण देवता कथा समाप्त कर चले ही गए, लेकिन हुआ क्या?
कुछ दान दक्षिणा उन्हें प्राप्त हुई या खाली हाथ लौटना पड़ा। हनुमान जी की मूर्ति से उत्तर मिला, प्रभु आपके भक्तों को खाली हाथ में नहीं जाने देता। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न है। कुछ दिन पहले 25,000 रुपए एडवांस में दिलवा दिए थे और अभी 25,000 रुपए में टांग गिरवी रखी है। जब तक बाकी की रकम नहीं मिलती टांग नहीं छोड़ूंगा। साहूकार ने सुना तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने सोचा कि अब बिना पैसे दिए टांग नहीं छूटेगी। रात भर साहूकार अपनी एक टांग के बल पर खड़ा रहा। सुबह हुई तो अपने घर पर संदेश भिजवाकर रुपए मंगवा लिए और हनुमान जी के आगे रखकर क्षमा प्रार्थना की। तब जाके साहूकार की टांग छूटी। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।